सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। उल्हासनगर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा निर्णय, शहर में चल रहे विकास कार्य रोके गए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में झापी के कंपनी द्वारा चल रहे सड़क निर्माण कार्य में कार्यरत प्रतिनिधि ठेकेदार विशाल माखीजा पर चार दिन पहले 10 से 12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया। उसके विरोध में उल्हासनगर के ठेकेदारों ने शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों को बंद कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया था, बट हमें ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार कार्यवाही होनी चाहिए थी, अभी शहर में सभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं काम करते हैं, पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए करते हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी विषय में हमने आज डीसीपी साहब से मुलाकात की और उनको डिमांड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई जो हो सकती है वो आरोपियों के ऊपर की जानी चाहिए और जैसे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। डीसीपी साहब ने हमें बोला है कि हमारी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी आपको क्या चाहिए, उसमें शायद आरोपी कुछ कम दिखाए गए हैं FIR में। तो अभी विशाल जी ने स्टेटमेंट दिया है, डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हो जाएगा। आज के डेट में हमारे उल्लासनगर के मोस्टली सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद रखे हैं, जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है हम लोग काम नहीं चालू करेंगे, ऐसा डिसीजन हमारे चेयरमैन जीतू आहूजा जी ने लिया है। सब ने लिया। अब MLA से भी मिले तो MLA ने क्या आश्वासन दिया? MLA साहब ने डीसीपी साहब को फोन करके बोला है कि जितना हो सके कार्रवाई करने के लिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है और हम सभी सभी पॉलिटिकल जो भी लीडर थे सबसे मिलेंगे और सबको यही विनती करेंगे कि हम लोगों के ऊपर जो भी ये एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन उनको करवाना पड़ेगा, उनको सख्त कार्रवाई करवानी पड़ेगी। आज खासदार भी उल्हासनगर में आ रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे हम लोग, खासदार साहब से भी मिलेंगे, किनिकर साहब से भी मिलेंगे और दूसरे कोई भी पॉलिटिकल लीडर होंगे उनसे सबसे मिलके हम लोग यही विनंती करने वाले हैं। कॉन्ट्रेक्टर सब लोगों के काम करते, कोई एक पार्टी के नहीं है। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में सब काम भूमि पूजन हो चुके हैं, इसे में काम बंद करके इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोग पब्लिक को तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज हुई है उसका जानलेवा उसके ऊपर सख्त हमला हुआ है और उसके घर तक लोग पहुंच गए, इसकी वजह से हम लोगों ने ये एडिटेशन करने का एक दो दिन का हम लोगों ने किया है और आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी करेंगे। पुलिस अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रही है पर काम बंद करने का अनुमति किस तरीके से आया? दहशत हो गई है सब में कि काम करेंगे, कल को हमारे ऊपर भी अटैक आ सकती है। नागरिक को जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए हम लोग नागरिकों की समस्याओं से हम लोगों को अवगत है।